नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल वर्मा एच एस एस अपने यूट्यूब चैनल एसपी टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 पर हमने पिछले एपिसोड में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में जाना था। उसी की निरंतरता में जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के आगे क्या प्रावधान है, क्या ये नियम है फाइनेंशियल नियम, आगे किस किस बात के लिए प्रावधान किया गया, खर्चों के लिए क्या है, कौन अधिकारी एक्सपेंडिचर कर सकता है, कौन अधिकारी सैंक्शन जारी कर सकता है, इसके क्या प्रावधान है, इस बारे में हम रूल 21 जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 का आज के वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों, जनरल फाइनेंशियल रूल्स हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया था, क्या कि ये रूल्स 11 फरवरी 2017 को कंपाइल किए गए फाइनेंस सेक्रेटरी सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ओएम ऑफिस मेमोरेंडम नंबर ये F14/3/2015 के द्वारा दिनांक 8 मार्च 2017 के द्वारा लागू किए गए थे, क्योंकि इसमें लिखा गया था इस ओएम में कि ये हैव बीन फॉर्मुलेटेड विच टेक अफेक्ट विद अफेक्ट विद इमीडिएट अफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, कब से, 8 मार्च से लागू किए गए थे। और दोस्तों, इसके जीएफआर के रूल का आज हम रूल 21 स्टडी कर रहे हैं, जिसमें बताया गया स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटीज अर्थात वित्तीय औचित्य के मानक, क्या मानक हैं, वही चैप्टर 1 है हमारा। इसका क्या था, जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी अर्थात वित्तीय प्रबंधन की सामान्य प्रणाली। इसके बारे में दोस्तों क्या कहा गया रूल में, क्या प्रावधान किए गए, देखिए हिंदी अनुवाद में आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, कोई नहीं दिखाएगा आपको, ना किसी ने दिखाया अभी तक। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हिंदी में ये पुस्तक प्रकाशित की गई, मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ, अपनी हिंदी नहीं बनाई मैंने। इसमें नियम 21 का हिंदी अनुवाद किया गया, ये इंग्लिश में है, हम साथ साथ दोनों को साथ साथ समझेंगे, इसको भी समझेंगे और हिंदी को भी समझेंगे। इसमें बताया एवरी ऑफिसर इनकरिंग या अथोराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, एवरी ऑफिसर शुड आल्सो एनफोर्स फाइनेंशियल ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट इकोनॉमी एंड सी दैट ऑल रेलिवेंट फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ऑब्जर्व्ड बाय हिज ओन ऑफिस एंड बाय सबॉर्डिनेट डिसबर्सिंग ऑफिसर्स अमंग द प्रिंसिपल्स ऑन विच एम्फसिस इज जनरली लेड आर द फॉलोइंग। वो निम्न में लिखे होंगे क्या, कि प्रत्येक अधिकारी जो सरकारी खजाने से व्यय करता है, खर्च करता है या व्यय करने का प्राधिकार देता है, ऑथराइज करता है किसी अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का अनुकरण करना होगा, शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज। आगे कहा प्रत्येक अधिकारी वित्तीय व्यवस्था लागू करेगा और सख्त मितव्ययता, इकोनॉमिकली खर्च करेगा, उसका मितव्ययता बरतेगा तथा यह देखेगा कि उसके अपने कार्यालय के द्वारा और जो उसके अधीनस्थ संवितरण अधिकारी हैं, डिस्बर्सिंग ऑफिसर हैं, उनके द्वारा समस्त संगत वित्तीय नियमों का और विनियमों का, जो भी उसके फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका पालन किया जाए, यह देखेगा कि उसके अधीन जितना है उनके द्वारा भी किया जाएगा। सामान्यतः जनरली क्या है, निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया जाता है, और वो कौन से सिद्धांत है दोस्तों, पहला सिद्धांत क्या है कि एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस, वही चौकसी बरतेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज ए पर्सन और पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी, जैसे कि वह अपने जेब का पैसा खर्चता है, इस तरह वो चौकसी बरतेगा, अर्थात प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है, रूल कह रहा है ये, कि सरकारी खजाने से धन व्यय करने में उतनी ही सतर्कता बरतें जितनी कि कोई सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का
धन खर्च करने में बरतता है, अपनी जेब के पैसे खर्च करने में चार बार सोचता है कि इतना पेमेंट करूं ना करूं। दूसरा पॉइंट, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन दी ओकेजन डिमांड, जो भी समय समय पर प्रथम दृष्टता डिमांड है उससे ज्यादा ना खर्चे, व्यय प्रथम दृष्टता जरूरत से अधिक ना हो, जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्चे उससे ज्यादा ना खर्चे। तीसरा स्टैंडर्ड क्या है, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर, कोई भी प्राधिकारी जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे ना करे कैसे, ऑफ सैंक्शन एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज, अपने स्वयं के फायदे के लिए ऐसी सैंक्शन हो वो जारी ना करे खर्च की। क्या यदि कोई भी अधिकारी व्यय मंजूर करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसे आदेश पारित करने के लिए नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके अपने लाभ में हूँ, ऐसा कुछ भी खर्च नहीं करेगा ना सैंक्शन जारी करेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी, पब्लिक मनी कहते हैं सरकारी खजाना, उसमें से जो खर्चा करना है शुड नॉट बी इनकर्ड, उसमें से ऐसा खर्चा कोई भी ना करे फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या ए सेक्शन ऑफ द पीपल, एक समूह के लिए, वर्ग लोगों के समूह के लिए खर्च ना करे जब तक कि उसको क्या ए क्लेम फॉर द अमाउंट कुड नॉट एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, के वो कोर्ट में दावा ना किया जा सके उस क्लेम का, ऐसा कोई खर्चा ना करे। और एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम और किसी रिवाज या मंजूर शुदा किसी भी नीति के तहत एक्सपेंडिचर के खिलाफ ना हो। हिंदी में बताया क्या, सरकारी खजाने से व्यय किसी व्यक्ति विशेष या लोगों के किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं किया जाए जब तक के पहला पॉइंट राशि का दावा किसी अदालत में ना किया जा सके, वो सारे के सारे पेमेंट होनी चाहिए जिनके बारे में दावा कोर्ट में भी किया जा सके यदि वो गलत हो जाए तो, और यदि ऐसा कोई है तो वो ना करे कि जिसके खिलाफ दावा ना किया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट, व्यय किसी मान्य नीति या रीति रिवाज के अनुसरण में ना हो, किसी कस्टम के हिसाब से ना हो कि ये तो रिवाज है, ये तो ऐसी नीति है पॉलिसी, ऐसा नहीं, रूल के हिसाब से यदि अलाउ है तो करना है अथवा नहीं करना। तो ये देखा दोस्तों आपने जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के चैप्टर 1 में जो जनरल प्रिंसिपल दिए गए हैं रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज की वीडियो में हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ आई होगी, क्योंकि दोस्तों मैं इसका हिंदी अनुवाद भी दिखा रहा हूँ, अभी तक किसी भी वीडियो में हिंदी अनुवाद देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं हिंदी अनुवाद भी साथ साथ दिखाऊं ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए, शब्दों का किसी भी प्रकार से कहीं भी डिस्प्यूट ना हो, उसका पूर्ण अर्थ आपकी समझ में आए। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की भांति बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप मेरे वीडियो को भारी मात्रा में लाइक और शेयर करें दोस्तों, और जो मेरे चैनल से अभी भी जुड़े हैं वो तुरंत बेल आइकॉन का बटन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसी तरह आप मुझे अपना सहयोग देते रहे। इसके अलावा मैं ये भी आपको कहना पसंद करूंगा कि किसी को भी किसी विषय पर किसी भी सर्विस मैटर पर एम्प्लाइज को मुझसे एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है तो वो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो ऑफिशियल चैनल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे ऑनलाइन एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।